इंजीनियरिंग की पढ़ाई काफी कठिन मानी जाती है, ऐसे में विद्यार्थियों का थोड़ा मनोरंजन हो, विद्यार्थियों को अपनी कला दिखाने के लिए एक मंच उपलब्ध हो, इस उद्देश्य से नवी मुंबई के लोकमान्य तिलक इंजीनियर कॉलेज की तरफ से हर साल जेफरटेक फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इस साल भी तीन चले इस फेस्टिवल में पहले दिन इंटर कॉलेज डांस और फैशन शो कंपटीशन का आयोजन किया गया था, जिसमें नवी मुंबई के साथ ही मुंबई के कई कॉलेज ने हिस्सा लिया था। दूसरे दिन खास युवा वर्ग को आकर्षित करने के लिए डीजे नाइट का आयोजन भी किया गया था, जिसमें डीजे सार्थक और डीजे परोमा ने युवाओं को अपनी धुन पर नचाया। How are you guys feeling? Alright, so are you guys having a good time? I can't hear you. I said, are you guys having a good time? Do you want to party more with Sarchek? I still can't hear you. I said, do you want to party more with Sarchek? So I want A1 to scream as fucking loud as you can and say one last track, one last track, one last track. Here we go. I'm tired of being what you want me to be. Feeling so faithless, lost under the surface. Don't know what you're expecting of me. Put under the pressure.
तो फेस्टिवल के आखिरी दिन खास ऑटो एक्सपो का आयोजन भी किया गया था। विद्यार्थियों को महंगी स्पोर्ट्स बाइक एवं कार को दिखाने में साथ ही इनके फीचर्स की जानकारी मिले उद्देश्य से इस ऑटो एक्सपो का आयोजन किया गया था। इस ऑटो एक्सपो प्रदर्शन में BMW R1200, डुकाटी, हायभूसा जैसी 45 महंगी स्पोर्ट्स बाइक और ऑडी कूपर जीप जैसी स्पोर्ट्स कार का समावेश किया गया था। इन स्पोर्ट्स बाइक और कार को देखने के लिए विद्यार्थियों ने काफी भीड़ की थी। इस बारे में कॉलेज के प्रधानाध्यापक अविनाश सरोदे ने अधिक जानकारी दी। जयपुर 2018 के अंदर पहले एनुअल डे हुआ, उसके बाद टेक्निकल फंक्शन टेक जयपुर जो हर साल हम ऑटो एक्सप्रो जो उसका मोस्ट अट्रैक्शन रहता है। लास्ट टाइम भी वह उसी हम लोगों ने देखा कि 40 बाइक आया था, इस बार भी 45 बाइक्स है। सब लोग आप गूगल में जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं, MSK ब्लॉग एंड ऑल दैट। इस बार भी हम अट्रैक्शन था BMW 1200R, द कॉस्ट ऑफ दिस व्हीकल इज 47 लाख। इसके अलावा डुकाटी, हायभूसा और कावासकी ऐसे टोटल 40 to 42 वेरियस बाइक्स आ रही, और यंग जनरेशन के लिए इतनी सारी बाइक एक जगह पे लाना यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि आज कहीं भी जाओ तो एग्जीबिशन के अंदर आपको टिकट लग रहा है, लेकिन हम कॉलेज के माध्यम से सारे यंग जनरेशन और नवी मुंबई के यंग जनरेशन को बताना चाहते हैं कि ये सारी बाइक्स यहाँ पे आए, आप आइए एग्जीबिशन को विजिट कीजिए और इसका आनंद लूटिए करके। विद्यार्थियों को भी फायदा, एक तो आपके मैनेजमेंट स्किल्स बढ़ रही है कि हाउ टू कोई भी एक इवेंट खड़ा करने के लिए क्या क्या सारी चीज़ें चाहिए, क्योंकि ये सारी बाइक जो है किसी बड़े बड़े घर वालों के बच्चों की बाइक्स है, उनको जाके कन्विंस करना, मतलब आप बात करने की स्किल, कम्युनिकेशन स्किल सीख रहे, उसके बाद क्या क्या एग्जीबिशन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए रहती, विद इन ए बजट आपको ये एग्जीबिशन करना है, तो फिर रोड सेफ्टी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और यहाँ पे टेक्निकल स्किल हर एक व्हीकल की क्या टेक्निकल स्किल है, कितना CC है, वो सब बच्चे जानते हैं। तो वही एक मेन अट्रैक्शन के बच्चे आएंगे, उसकी क्या क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, क्योंकि हमारे कॉलेज का एक ग्रुप ऑलरेडी US जा चुका है जो AC बाजा के नाम से जाना जाता है, वो इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं। तो इस समारोह में आए चीफ गेस्ट ने भी इस फेस्टिवल की तारीफ करते हुए अपनी प्रतिक्रिया नवी मुंबई आवाज के साथ व्यक्त की है। ये इस तरीके से ऑटो एक्सपो से स्टूडेंट लाइफ में एक जिज्ञासा जो होती है, क्यूरियासिटी होती है, क्रिएटिविटी होती है, उसे चालना मिलता है, क्योंकि स्टूडेंट हमेशा जो है वो अग्रसर रहने की कोशिश करता है। तो आज ये जो बाइक का प्रदर्शन है यहाँ पे हुआ, उससे स्टूडेंट को ये सीख मिलती है कि ये स्पेसिफिकेशंस क्या है बाइक के, इसकी कंबशन टेक्नोलॉजी किस तरीके से है, इसमें किस तरीके के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि आज जो ड्राइव है वो फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल का है, तो इस तरीके से वो डिज़ाइन की तरफ, बाइक की डिज़ाइन की तरफ देख सकते हैं, जिसकी तरीके से वो जो पढ़ाई करते हैं, जो टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक इंजन
इसके बारे में भी इनको इस एग्जीबिशन के द्वारा जानकारी प्राप्त हो सकती है, उनकी जो है इसमें सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ सकता है और प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल लाइफ का जो है वो समन्वय कैसा साधा जा सकता है वो इसके जरिए होता है। और ये इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों को स्टूडेंट्स लाइफ में एजुकेशन देना। तो ये बाइक के जरिए जो ट्रांसमिशन है किस तरीके से होता है, ऑटो ट्रांसमिशन या फ्यूल सिस्टम्स किस तरीके से, उसके बारे में उनको वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये स्टूडेंट ऐसे जाके कहीं अगर कहीं शोरूम में जाके पढ़ना चाहे तो वो मुमकिन नहीं है, लेकिन यहाँ आके इतनी सारी जो सीसी की या पावरफुल बाइक्स है या जो टेक्नोलॉजी बाहर के देशों में है वो यहाँ पे किस तरीके से आ सकती है, इसके बारे में उन्हें जानकारी प्राप्त हो सकती है। एक्चुअली ये इंजीनियरिंग कॉलेज है, सो मेन उद्देश्य तो ये है कि भाई इंजीनियर्स लोग जो अभी यहाँ तैयार हो रहे हैं उनको पता लगे क्या क्या टेक्नोलॉजी आई है नहीं। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ऑलमोस्ट ऑल द सेटअप बाइक जो इंडिया में लॉन्च हुए या लॉन्च होने वाले वो सब आए हुए हैं। तो इट इज़ रियली सरप्राइजिंग कि जो बाइक्स अभी लॉन्च भी नहीं हो यहाँ पे डिस्प्ले में है। तो ये एक इंजीनियर लोग को जो बनने वाले उनको एक फोरसाइट दे रहा है कि भाई क्या क्या बाइक्स में आने वाला है। आई थिंक 40 मुझे बताया गया था कि 40 एक बाइक तो आई हुई है ऑल डिफरेंट मेक्स राइट फ्रॉम हार्ले डेविडसन टू BMW टू ट्रम्प टू आपका होंडा। आई विल ऑलवेज से दैट यंग जनरेशन को कि भाई बाइक कितने भी सीसी की होए कंट्रोल आपके हाथ में है, प्लीज टेक कंट्रोल, हैव अ सेफ राइड ऑलवेज। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश राठौर के साथ पंकज बेनवंशी।